नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई हैं। कई पार्टियां तो ब्राह्मणों के नाम पर सम्मेलन कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने में पीछे नहीं रहना चाहती। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी यूपी में अपने ब्राह्मण चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला पर दाव लगा सकती है। क्या कुछ है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में राजनीतिक वनवास काट रही कांग्रेस पार्टी इस बार यूपी विधानसभा चुनावों में कुछ अलग करने के मूड में है। यूपी में ब्राह्मणों की राजनीतिक रसूख देखते हुए सभी दल ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं दिखना चाहती। कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले पर वापस आना चाहती है। एक समय यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक पर कांग्रेस का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। लिहाजा कांग्रेस अब यूपी में कुछ बड़ा करने के मूड में है। यूपी चुनाव में कांग्रेस अपने सीएम पद के चेहरे के तौर पर ब्राह्मण नेता पर दाव लगा सकती है। इस लिहाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला के नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है, इसलिए चेहरा देने में वे पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद से पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में है। खासकर कानून व्यवस्था, उत्पीड़न और किसानों के मुद्दे पर या तो लगातार आंदोलन कर रही है या चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। सार्वजनिक मंच से पार्टी भले ही सर्व समाज की बात करती हो, पर उसके नेता स्वीकार करते हैं कि अपना आधार वोट बनाने की पुख्ता रणनीति भी बनाई गई है। प्रदेश में 80 के दशक तक अधिकांश समय कांग्रेस की ही सरकारें रहीं। इस दौरान उसने 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से दिए। अपने जमीनी छोटे छोटे अभियानों में कांग्रेस के नेता इसका प्रचार करने से भी नहीं चूकते, ताकि ब्राह्मण मतदाताओं के बीच फिर से अपनी पैट बना सके। यूपी में वर्तमान में ब्राह्मणों की अनुमानित संख्या 10 से 12% है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण नेता को सीएम चेहरे के रूप में पेश करने की अंदर ही अंदर योजना बना ली है। कांग्रेस के रणनीतिकार बताते हैं कि ब्राह्मणों के मुद्दे पर भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हमारे पास जो ब्राह्मण नेता हैं चेहरे के तौर पर वर्तमान में, वही विकल्प हमारे सामने है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला समेत कई ब्राह्मण नेताओं के नाम पर विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की राय अहम होगी। राजीव शुक्ला इस संकट के दौर में भी पार्टी के मजबूत मददगार माने जाते हैं। उनके कद का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ट्विटर पर उन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही नहीं पीएमओ भी फॉलो करता है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय बेहद असर रखता है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो यूपी में ब्राह्मण समुदाय तकरीबन 12 से 13% के आसपास माना जाता है। आज के समय में ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोटर भी माना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।